लो जी नमस्कार, आप सभी का YouTube चैनल एजुकेशन नॉलेज ट्यूब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? अगर आपके पास राशन कार्ड है, पीला राशन कार्ड है, गुलाबी राशन कार्ड है, या फिर आपका एक राशन कार्ड है, कैसे भी रंग का राशन कार्ड है, आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, आप राशन कार्ड पर राशन ले रहे हैं, आपको बता दें आने वाली 1 जुलाई 2024 से पूरे देश भर में मोदी सरकार लागू करने जा रही है 10 बड़े नियम और राशन कार्ड के लोगों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि भाई 1 जुलाई से राशन समेत मोदी सरकार आपको कुछ नहीं देगी। 40 करोड़ से ज़्यादा लोग बीपीएल की सूची से बाहर होने वाले हैं, यानी कि उनका बीपीएल का राशन कार्ड कटने वाला है। अब क्यों कटने वाला है ये आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो को अंत तक देखना। क्योंकि भाई अगर आपके पास बीपीएल का राशन कार्ड है तो आपका राशन कार्ड भी कट सकता है, क्योंकि भाई मोदी सरकार ने 10 बड़े बदलाव किए हैं इस बार और ये बदलाव बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, यानी कि आप जान करके काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रह जाएंगे। क्योंकि मोदी सरकार ने इस बार इस प्रकार के नियम लगाए हैं जिससे आप बाहर निकल ही नहीं सकते। क्योंकि भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बीपीएल की सूची से तुरंत बाहर हो जाएंगे, यानी कि उनको ना तो राशन मिलेगा, ना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मिलने वाला और सामान मिलेगा, ना उनको फ्री में मकान मिलेगा, ना उन्हें में फ्री में बिजली मिलेगी, किसी प्रकार का कोई भी जो सरकार फ़ायदा दे रही है वो फ़ायदा मिलेगा। क्या क्या नियम है जान लें। सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीएल के राशन कार्ड पर, अब जिनकी भी पारिवारिक वार्षिक आय, यानी कि पूरे परिवार की वार्षिक आय अगर हम माने तो 1,80,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। अगर 2 लाख भी आपकी परिवार की वार्षिक आय है तो आपको बीपीएल की सूची से जो बाहर कर दिया जाएगा और आपको किसी प्रकार का कोई भी राशन नहीं दिया जाएगा 1 जुलाई से। भाई हम बात करें परिवार के पास 1 एकड़ ज़मीन या इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 एकड़ से ज़्यादा आपके पास ज़मीन नहीं होनी चाहिए अगर आपके पास बीपीएल का राशन कार्ड है। अगर ज़्यादा ज़मीन है तो आपका जो राशन कार्ड है वो 1 जुलाई से निरस्त कर दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई भी राशन आपको नहीं मिलेगा। अगली बात करें, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है भाई, आपको बता दें घर में 2 मजदूर, मजदूरों का भी राशन कार्ड नहीं छोड़ेगी भाई ये सरकार अब। जी हाँ, स्त्री और पुरुष दोनों कमाने वाले हैं, ध्यान दें, अगर पुरुष ही कमाता है, स्त्री नहीं कमाती है तो राशन कार्ड बच जाएगा, अगर पुरुष भी कमाता है स्त्री भी कमाती है, और भाई आपको बता दें दोनों अगर कमाते हैं तो राशन कार्ड की सूची से आपको कर दिया जाएगा बाहर, नहीं मिलेगा किसी प्रकार का फ़ायदा। वहीं हम बात करें अगली बड़ी खबर की, राशन कार्ड पर एक और जो बड़ा नियम लगाया गया है कि घर में 2 पुरुष हैं, ध्यान दें, अगर घर में 2 पुरुष हैं और दोनों बेरोजगार हैं और उनकी जो उम्र है वो 25 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है, यानी कि 25 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में उम्र है और दोनों अगर कमाते नहीं हैं फिर भी हरियाणा सरकार उनको बीपीएल की सूची से बाहर कर देगी। और भाई राज्य सरकार ही क्या, केंद्र सरकार भी इस नियम को लागू करने जा रही है पूरे देश में भाई, ठीक है। ये जो आपको नियम बता रहे हैं कुछ राज्य सरकारों ने तो अपना लिए हैं, कुछ आने वाली 1 जुलाई से अपनाने जा रही है, यानी कि हम बात करें 2 पुरुष है, अगर दोनों कोई भी अगर कमाता नहीं है फिर भी आपको बीपीएल की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। अगला नियम जाने, फसल, दूध, घी, इन सभी की अगर आय आपकी पारिवारिक
पूरे परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है, फिर भी आपको BPL की सूची से बाहर कर दिया जाएगा भाई। यानी कि आप अगर किसान हैं, फसल आपकी 1,80,000 रुपये से ज़्यादा की बेचते हैं तो भी BPL की सूची से बाहर किया जाएगा। अगर आप घर में गाय भैंस पालते हैं, दूध बेचते हैं, घी बेचते हैं, पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है तो आपको BPL की सूची से बाहर कर दिया जाएगा भाई। वहीं हम बात करेंगे अगला नियम, घर में AC लगा है, ध्यान दें, घर में AC लगा है या घर की रसोई में टाइल लगी है और लेंटर की छत है, ध्यान दें, लेंटर की छत है, घर में टाइल लगा है, AC लगी है, वो आपको BPL की सूची से बाहर करवाएगी। आपको बता दें ये नियम भी अब लगा दिया गया है और BPL की सूची से बाहर कर दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई राशन नहीं मिलेगा। वहीं हम बात करें सभी बच्चे, आपके अगर परिवार में बच्चे हैं और वे पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी सालाना फीस 50,000 रुपये से ज़्यादा आप भरते हैं तो भाई आपको BPL में नहीं रखा जाएगा, BPL की सूची से बाहर कर दिया जाएगा, राशन तो मिलेगा ही नहीं आपको और जो सुविधा सरकार देती है वो भी आपको नहीं मिलेगी, किसी प्रकार की सुविधा आपको नहीं मिलेगी आने वाली जुलाई से भाई। ये बहुत बड़ा चेंजमेंट्स किया गया है, जैसे ही मोदी सरकार देश में आई है नए नियम एक बार फिर से लेके आई है भाई, और इन नियम से बचने वाले नहीं है BPL के राशन कार्ड धारक, क्योंकि तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा ऐसे BPL राशन कार्ड है क्योंकि एक झटके में ही कट जाएंगे। वहीं जो प्रभावित होंगे 40 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। वहीं हम बात करें आयकरदाता अर्थात जिनके पिछले 3 वर्षों में RTR नहीं भरी हो, यानी कि आयकरदाता है पिछले 3 वर्षों तक RTR नहीं भरी है, ऐसे में सरकार उसको BPL की सूची से बाहर करेगी। वहीं हम बात करें सरकारी नौकरी अगर आपके परिवार में है या HKRN से आपके परिवार में कोई लगा हुआ है, कंपनी में आपके परिवार में कोई लगा हुआ है, सरकार अब BPL की सूची से आपको बाहर करेगी। यानी कि सरकार ने ये भी बड़ा फैसला लिया है कि जो कंपनियों में लग रहे हैं उनको भी सरकार अब नहीं रखने वाली। वहीं हम बात करें परिवार के पास 4 पहिया वाहन, जी हाँ, यदि कोई भी परिवार का सदस्य के नाम पर RC रजिस्टर्ड है, ध्यान दें, 4 पहिया वाहन परिवार के किसी भी व्यक्ति के नाम पर RC रजिस्टर्ड है, सरकार उसका राशन कार्ड निरस्त करेगी, उसको किसी प्रकार का राशन नहीं देगी। वहीं हम बात करें सरकार ये सभी जो नियम हैं ये आने वाली 1 जुलाई 2024 से लागू करने जा रही है और आपको किसी प्रकार का कोई राशन नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें इससे 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों को BPL की सूची से बाहर किया जाएगा, बहुत बड़ा झटका सरकार ने लगाया है। आपको बता दें लगातार BPL को लेकर, फर्जीवाड़े को लेकर खबर आ रही थी, अब सरकार ने नियम ही कुछ ऐसे लगा दिए हैं जिससे BPL की सूची से अपने आप ही लोग जो है वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इन शर्तों पर कोई ऐसा ही होगा जो कि खरा उतरेगा। कुछ शर्तें ऐसी भी हैं जैसे कि रसोई में टाइल लगना, जो कि सभी की रसोई में ज़्यादातर टाइल लगी हुई है। वहीं हम बात करें लेंटर वाला मकान, जो सभी के पास ज़्यादातर लेंटर वाला मकान है तो ऐसे लोगों को सरकार BPL की सूची से बाहर करेगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं सरकार ने ये जो नियम है ये सही लगाएं या फिर गलत। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।